लुम्बाराम जी हमारे साथ मौजूद है। भाई साहब किस प्रकार से देखते हैं जी? सर बहुत बधाई है, बस बहुत बहुत धन्यवाद। इस चुनाव में जो भी रोचक बातें रही, हालांकि आप जीत कर आए, किस प्रकार से? आपको ध्यान है कि हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब भी वहीं बैठे हुए थे। 22 सभाएं राजस्थान में, 53 सभाएं ली, उसमें से 22 सभाएं आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने ली, और उनके बच्चा होने के कारण उनके प्रयास भी वहाँ दौरे वगैरह भी बहुत रहे। फिर भी मैंने पूर्व में भी कहा था कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर, हमारे जनप्रतिनिधियों पर और देवतुल्य हमारी जनता जालौर शिविर पर मैंने जो 20 साल से वहाँ सेवा की है, उस सेवा का फल जरूर मिलेगा, और वो आज मिला, वो आपके सामने। उस समय क्या भारतीय जनता पार्टी लाखों वोटों से जीतेगी, और आज भारतीय जनता पार्टी 2 लाख से ऊपर से जीती है। मतलब आप तो जीत गए, लेकिन बाकी जो 11 सीटें जो खो दी गई उस पर क्या करें? उसके लिए देखो, कहीं ना कहीं कुछ कमी रही है, तो उसको हमारा संगठन का काम है, संगठन को ढूंढेगी और उसके ऊपर जरूर निर्णय करेगी। आगे केंद्र में अपनी क्या भूमिका देगी? संगठन का जो आदेश होगा वो सर्वोपरि रहेगा। ये थे हमारे साथ लुम्बाराम चौधरी जी। इनका साफ तौर पर ये कहना है कि जो भी भूमिका आगे संगठन देगा वो उन्हें सर्वमान्य होगी, और सबसे बड़ी बात यह है कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत अपनी सीट नहीं बचा पाए, ये उनकी ताकत है, और उन्होंने 20-25 साल जो उस क्षेत्र में जो मेहनत करी है ये उसकी ताकत है, और जनता ने उन्हें भरपूर आशीर्वाद दिया, उस जनता का पूरा ध्यान रखा जाएगा। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, जनता दरबार।